फाइनली व्लॉग नंबर टू शूट करने की मैंने ठान ही ली। ये व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी संडे को फ्लाइट है, 5 तारीख की फ्लाइट है। नहीं इसकी। हाँ मैं अकेला जा रहा हूँ, सॉरी मैं भूल गया था। और उसके बीचों बीच जो मैं तैयारी करूंगा मेरी RT-PCR की जो वैक्सीन होगी, सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, तो देख लेना। और क्या एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती, बाहर देश से कोई भी आ रहा हो इंडिया में तो उसके दोस्तों को ये क्यों लगता है कि उनका दोस्त नहीं आ रहा, आईफोन लेने वाला आ रहा है और फोन पे करके बोलेंगे 10 दिन पहले यार वो आईफोन पकड़ कर लाइयो। अबे ऐसे ही पकड़ के ले आऊं क्या मैं? तो भैया आज से एग्जैक्टली 2 दिन बचे हैं और 2 दिन के बाद मैं इंडिया के लिए अपनी फ्लाइट बोर्ड करूंगा आफ्टर नियरली 2 ईयर्स। पर उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे को करना है वो है RT-PCR का टेस्ट कराना है 72 आवर्स बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट। और ये बेसिकली जो तुम गधे की गांड जैसी शक्ल देख रहे हो मेरे, जितने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, तुम लोगों के लिए बिग बॉस देखा है मैंने, निकलने से पहले भी शूट करके जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, इतना प्यार करता हूँ तुम्हारे को। तो भैया अब होते हैं तैयार, निकलते हैं RT-PCR के लिए। मेरी छपरिया तैयार हो रही है अंदर, ये फट्टो तैयार हो गई। ड्रिप देख रहे हो भाई का है, देखा है ड्रिप? ऐसा ना हो गया मैं जो RT-PCR कराने जा रहा है दूसरी बेगम लेने जा रहा हूँ। आज रेनू का गाड़ी चलाएगी, लेकिन अगर वो गाड़ी चलाएगी तो मैं कनाडा नहीं, कनाडा के किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगा। क्यों रेनू का? I'm looking at you at YouTube. Yeah, on YouTube, yes. I don't know, you tell me, am I funny? मेरा RT-PCR हो गया है, मैं ऑल सेट हूँ। रेणुका की फ्लाइट कब की है? फ्लाइट कब है तुम्हारी? होश ही नहीं है, होश ही नहीं है। संडे को फ्लाइट है मेरी, सैटरडे तक ये मेरे को सब कुछ भेज देंगे एंड देन रपा रप करके मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा सलमान भाई के पास। तो अभी हम जा रहे हैं कॉस्को, जहाँ से हमारे को अपने राशन पानी की शॉपिंग करनी होती है। बड़ा बहुत बड़ा होलसेल का ये टाइप ऑफ प्लेस है वो। उससे पहले हम पिकअप करेंगे अपने एक दोस्त को। तो ये मनित, ये मेरे साथ जिम करता है, इसको प्रोटीन लेना है। ये है 18 साल का पर लगता 26 का है। दिखाई रेनू का पैकिंग वैकिंग में कर लगी हुई है, पैकिंग वैकिंग में मैं लगा हुआ हूँ शूट करने के लिए। अभी पता लगेगा कि फ्राइडे को कौन सा रिव्यू कर रहा हूँ। रेनू का कैसा लगेगा तुम्हें अकेले ट्रैवल करके? तुमने मेरी टिकट तो अलग से बुक करा दी। मेरे को बहुत सैड लग रहा है यार। सैड लग रहा है। तो ये हमारा सबसे पुराना बैग है जो हम शान को देंगे, ये इसको कोई नहीं चुराएगा इस बैग को। बेसिकली इसने मेरे को ये वाला बैग दिया, साले तू सब कुछ भूल भाल जाता है कहीं ना कहीं, तो मैं तेरे को सबसे पुराने वाला बैग दूंगी और उसमें सबसे इनएक्सपेंसिव सामान डालूंगी क्योंकि तू चूती है। नहीं, सबसे खराब बैग में सबसे एक्सपेंसिव सामान डालूंगी क्योंकि खराब बैग को कौन चुराएगा। वेरी स्मार्ट, ये चोरों का ही दिमाग होता है, ये पिछले जन्म में चोर होगी, तभी मेरे दिल को चुरा लिया। इधर आओ इधर, ऐसे इसलिए तुम्हारे से ब्याह करके लाया था, काम करो घर का, ये बात हुई ना ऐसे ही। शाबाश, गो मेक मी अ सैंडविच। ये बच्चा कौन है? बच्चा किसका हो रहा है? इतने सारे बच्चे हैं तुम्हारे घर में? ये तो हर किसी को जिसको देखो सारा बच्चा पैदा कर रहा है बैठ के। मेरे पास ही टाइम नहीं है यहाँ पे, बस तुम्हारे लिए वीडियो बना दो, रिव्यू देखना है भाई, रिव्यू कर दो। मैं रिव्यू के चक्कर में ना कुछ हो ही नहीं पाता, पलंग टूट ही नहीं पाता। तो भैया ये जो जूते मैं लेके जा रहा हूँ लोगों के लिए, इनमें ना मैं डब्बे नहीं रख सकता क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास इतना ज्यादा स्पेस है नहीं। पर अभी भी कोई धी पिटेगा रिश्तेदारी में, ये बोलेगा डब्बा तो तू लाया नहीं यार, मेरे को ओरिजिनल भी है या फर्स्ट कॉपी है? ये देखो, इसे बोलते हैं हैंड राइटिंग, मोती जड़े होते हैं ना, मोती मोती जड़े हुए हैं इसकी हैंड राइटिंग में। मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है ऑन द अदर हैंड कि सलम सिर्फ या तो वो माया सिविलाइजेशन में भूत पिशाच पकाने वाले पकड़ सकते हैं या तो मैं पढ़ सकता हूँ, और कोई पढ़ ही नहीं सकता उसके अलावा। अरमानी बहने का शक्ल बैंचो चिंपांजी जैसी है। ये तो हो गई गिफ्टिंग। उसका क्या करें जो इसके साथ साथ तुमने अपने ले लिया है? जब भी जाओ एक हुडी ले लो, एक शू ले लो, उसका क्या करना है? तो और क्या, ऐसे ही होता है नवाबों का, तुम्हारी तरह थोड़ी है, मेरे ही कपड़े पहन लेती है बॉयफ्रेंड, हुडी के नाम पर जो मर्जी मेरा हाथ लगे वो पहन लेगी, ऐसे ही होता है। देखो नवाबों के उतरन पहनते हैं पेजेंट्स। बताओ पेजेंट कौन है? तो अब रेनुका ब्लैक बैग को बंद कर रही है, अब इसका लास्ट मैसेज मेरे लिए यही होगा कि ठीक है इसको घुमा के मत आइयो। यू कैन नॉट लूज दिस,
इंडिया पहुंचना है और इसके साथ पहुंचना है। तो गाइस फाइनली हमारा लास्ट लेग पैकिंग का भी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका हूं मैं। अब आरटीपीसीआर का रिजल्ट भी आ गया है, पॉजिटिव नहीं है वो, नेगेटिव है। मैं नहीं लेके आ रहा हूं ओमिक्रॉन साथ में, एंड आई होप मेरे साथ यार कोई धीप टीका ना बैठ जाए, पूरा 17-18 घंटे की मैया पूछ जाएगी मेरी, एंड आई डू नॉट वॉन्ट दैट। सुबह मिलते हैं, बाय बाय। मिस्टर डक आए, बहुत सुन ले, खाना तो है नहीं थे, वो कह रहा खाना लेके आया गांडू, तो बात करनी कर जा। तो एक डक वाला कपल भी है यहाँ पे, वो तो बिल्कुल ही बेधड़क बदतमीज तरीके से कल चौदह पट्टी में लगे हुए, तो मैंने कहा ब्रेड खा लो, कह रहे मां तेरी ब्रेड हमारे को अभी डिस्टर्ब ना कर, अभी बढ़िया एकदम अभी दही जम रही है। ये मेरा फ्रेंड अनुभव, ये मेरे को छोड़ रहा है। द स्पेशल थिंग अबाउट हिम इज कि इसका अफेयर चल रहा है इस बीवी के साथ। एयर सुविधा का फॉर्म भरना मत भूलना, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, डू कैरी इट विद योरसेल्फ, वैसे सब कुछ इजीली मैनेज हो जाएगा। तो भाई मैं दिल्ली एयरपोर्ट आ गया हूँ फाइनली, और बहुत ही स्मूथ था ट्रांजिशन, कुछ भी दिक्कत हुई नहीं ज़्यादा। उन्होंने सिर्फ हमारे बोर्डिंग पास चेक करे और उसके ऊपर सेल्फ केयर वाला, सेल्फ मॉनिटरिंग वाला वो लिख दिया, दैट्स अबाउट इट। कोई भी आरटीपीसीआर चेक नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं कराया फिजिकली उन्होंने हमारे से, और जितना हिसाब से क्राउड था बहुत अच्छी तरह से आईजीआई पर सारी सिक्योरिटी हैंडल कर रही है। अब मैं जा रहा हूँ घर, मेरा दोस्त आया मेरे को लेने, फाइनली अपनी माता से मिलूंगा मैं लगभग 1.25 साल के बाद। अभी मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने बचपन के दोस्त से, ये है रोहित। इसकी खासी बात यह है कि इसका अफेयर चल रहा है इसकी बीवी के साथ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं माता जी beating my mother after probably nearly a year and a half. रेनुकर रो रही है, रो के दिखा फटाफट, रो व्लॉग के लिए ज्यादा लाइक आएंगे। तो भाई मैं फाइनली आ गया हूँ अपने घर इंडिया में, और इस घर की भी एक कहानी है। मैंने इस घर में पहले कभी कदम नहीं रखा था, एक बार आया था लास्ट टाइम पैंडेमिक जब हुआ था उससे पहले, और एक घंटे के लिए रुका था यहाँ पे, सामान ठूस के मैं वापस कनाडा चला गया था। वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा मैं। तो अब मिलेंगे अगले व्लॉग अगले हफ्ते, तब तक जाओ चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो।